बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन किंग एडवर्ड के प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली टू लुकिंग आफ्टर द एजुकेशनल कोर्सेज ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द होलिस्टिक वे। और इसके साथ प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, आज ये तीसरा कोर्स हमारा आई थिंक टूवर्ड्स कम्पटिशन, शायद इसका सेकेंड सेशन है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल एजुकेशन। एंड प्रोफेसर मसूद हिराज इज सिटिंग देयर, ही इज अ कैमकोलियन विजिटिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी टुडे। तो मैंने कहा ही शुड ऑल्सो विटनेस द एजुकेशनल एक्टिविटीज गोइंग ऑन हिम इन हिज अल्मा मैटर। ड्यूरिंग लास्ट टू ईयर्स वी हैव स्टार्टेड वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला कोर्स स्टार्ट हुआ, दैट इज सर्टिफिकेट इन मेडिकल एजुकेशन। एंड देयर आर वेरियस मॉडल्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड दिस इज आई थिंक द न्यू कंसेप्ट ड्यूरिंग लास्ट टू डेकेड। Previously, we used to have the model of medical education, which was apprenticeship based. Or apprenticeship model was ustadi shagirdi. जैसे प्रोफेसर इब्रार भी बात कर रहे थे कि हम भी तो करते थे, ये क्या नई चीज है। That was apprenticeship model, कि जो उस्ताद ने करना है शागिर्द ने वही करना है। और आज भी this is the area of minimal invasive surgery. इब्रार is doing लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, मसूद हिराज इज डूइंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड एवरीबडी। लेकिन आज भी आप देखेंगे देर आर फ्यू सर्जन हु बिलीव इन द ओपन सर्जरी। क्यों? कि उस्ताद ऐसे करते थे। बट दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, सो अप्रेंटिसशिप से बात आगे चली प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड, एंड फाइनली द करंट मॉडल इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में कैनमेंट मॉडल, ACGME competency, and then competency based model of College of Physicians in Pakistan and King Edward Medical University. और इस competency based में you streamline the things, और जो streamline आपने करनी होती है उसमें induction of undergraduate and the postgraduate. You know the induction is now streamlined. Undergraduate में, postgraduate में, King Edward Medical University is having the JCAT examination, and induction is on January and July streamline during these 2 months. Then after induction is the training framework. A training framework mein jo current challenge hai, that is in the variation of training. Different department mein different models, standard of training hai. Supervisor ki supervision different hai. So you are supposed to address the issue of variation of training through a good monitoring system. और किंग एडवर्ड में वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड शिफ्टिंग द मैनुअल मॉनिटरिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, विच इज अ प्रोस्पेक्टिव कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इन कंट्रास्ट टू द मैनुअल विच द स्टूडेंट दे प्रेजेंट एट द एंड ऑफ देयर ट्रेनिंग। एंड देन इज द असेसमेंट इवेल्युएशन। देर आर इश्यूज ऑफ इवेल्युएशन। Your evaluation should match your table of specification. I am sure by this time you know the table of specification. कि आपने कौन कौन सी competency judge करनी है। Competency based medical education में आप competency set करते हैं कि in our doctor ये competencies होनी चाहिए। फिर table of specification में you see cognitive domain कैसे assess करना है, skill domain कैसे करना है, professionalism ethical practices को कैसे करना है, कितना वेटेज देना है, और असेसमेंट के साथ जो आपका प्रोग्राम है इन द एंड यू इवेल्युएट दैट प्रोग्राम। आप सब कुछ जो कर रहे हैं ये ठीक है, आपकी इंस्ट्रक्शन, आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, वेदर दे आर मैचिंग द ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, वेदर यू आर मॉनिटरिंग द ट्रेनिंग प्रॉपरली आर नॉट, एंड योर असेसमेंट टेक्निक यू आर असेसिंग इन द थ्योरी पेपर इन MCQs, you are assessing during long and short cases or talks, whether all these things they are matching, induction, instruction, curriculum, training framework, monitoring, assessment, in tamam ki matching ke baad program evaluation hoga, feedback system hoga ki isme areas of improvement kya hai. Khalid Cheema hamare controller examination yahan tashreef farma hai, har MCQ paper ke baad ye evaluate karte hai कि जो नए MCQ हमने इंट्रोड्यूस किए, इस MCQ का क्या डिफिकल्टी इंडेक्स, रिलायबिलिटी इंडेक्स क्या था, और क्या 100% स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया, क्या 100% ने उसको गलत किया,
क्या इस एमसीक्यू को हमने पार्ट ऑफ द पेपर नेक्स्ट टाइम बनाना है कि नहीं, दिस इज द पोस्ट एग्जाम एनालिसिस। और मेरे ख्याल हर प्रोग्राम का एनालिसिस होता है, आई एम श्योर आपका सर्टिफिकेट इन मेडिकल एजुकेशन का, इसका भी आपके फीडबैक की बुनियाद पे प्रोफेसर बिल्की शबीर विल एनालाइज कि जो फोर्थ बैच है सर्टिफिकेट इन मेडिकल एजुकेशन, इनमें क्या क्या चीज़ें और हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। और फिर फाइनली जहां इस वक्त सर्टिफिकेट इन मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है, इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स हम सर्टिफिकेट से आगे बात इसकी चलेगी मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन। इन 2022 किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी विल हैव द मास्टर्स इन द मेडिकल एजुकेशन एंड ऑलरेडी वी आर हैविंग द मास्टर्स इन आर फैकल्टी, खालिद चीमा, प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली, प्रोफेसर असगर नकी, एंड देर आर सो मैनी क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट ऑन द फैकल्टी लिस्ट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अल्लाह ने चाहा तो 2022 में मास्टर्स के साथ वी विल स्टार्ट PhD इन मेडिकल एजुकेशन, एंड किंग एडवर्ड विल बी अमंग द पायनियर्स यूनिवर्सिटी हैविंग द PhD इन मेडिकल एजुकेशन। और इसमें चूंकि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोफेसर मसूद हिराज बैठे हैं, थ्रू हिम आई वॉन्टेड टू कन्वे टू माई फ्रेंड राना अल्ताफ द वाइस चांसलर ऑफ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इज देयर टू सपोर्ट आवर सिस्टर यूनिवर्सिटी इन एनी एजुकेशनल प्रोग्राम, एनी इवेल्यूएशन सिस्टम। कोविड में जहाँ इस वक्त इंस्टीट्यूशन क्लोज है, किंग एडवर्ड में विद हाइब्रिड मॉडल, हमने नहीं कहा कि सारे क्लासरूम में बैठ जाएं। व्हेन प्रोफेसर बिल्कीस शबीर डिस्कस्ड विद मी, मैंने कहा लेट अस हैव द हाइब्रिड मॉडल, जहाँ नेट की फैसिलिटी है, द पीपल हु वांट टू अटेंड द कोर्स ऑन नेट जूम तो दे कैन अवेल दैट फैसिलिटी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसमें आई थिंक मैनी ऑफ द कोलीग्स दे विल बी लिंक्ड थ्रू द जूम। सो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली एंड प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल एक्टिविटी, थैंक यू वेरी मच।